साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी ये बताने की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी फिल्म थी उतने ही सुपरहिट गाने भी थे इस फिल्म के। अब जबकि इसका अगला भाग गदर 2 बन रहा है तो इस फिल्म में भी गदर एक प्रेम कथा के गानों को एक नए रूप में पेश किया जा रहा है। इस फिल्म का गाना मैं निकला गड्डी लेकर आप लोगों को तो याद ही होगा। इस गाने ने हंगामा मचा दिया था और उस समय बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर यह गाना चढ़ा हुआ था। यही कारण है कि गदर 2 में भी इस गाने को एक अहम जगह दी जा रही है। अनिल शर्मा ने इस गाने पर बहुत ही बारीकी से काम किया है क्योंकि अनिल शर्मा गदर के फैंस को वही फील करवाना चाहते हैं जो उन्होंने 2001 में इस गाने को सुनकर किया था। इस गाने में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नज़र आने वाले हैं जैसा कि 2001 में नज़र आए थे। लेकिन गदर 2 के गाने में तारा सिंह, सकीना और जीते के साथ साथ तारा सिंह की होने वाली बहू भी नज़र आने वाली है। इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ आका जा रहा है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। एक तरफ जहां बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस की फिल्में बायकॉट की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सनी देओल की इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है। फैंस दूसरी फिल्मों को देखने से मना कर रहे हैं, वहीं सनी देओल की इस फिल्म को जल्दी रिलीज करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर बहुत पॉजिटिव वीडियोस देखने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि हम किसी की फिल्म देखें या ना देखें, गदर 2 जरूर देखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग 80% से ज़्यादा शूट की जा चुकी है और जल्द ही यह सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। रिपोर्टों की माने तो फिल्म को 2023 के शुरू में रिलीज करने की बात हो रही है, लेकिन रिलीज डेट की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल सनी देओल अपनी पीठ का इलाज करवाने के लिए अमेरिका में गए हुए हैं और जल्द ही वह इंडिया वापस आकर इस फिल्म की शूटिंग को ख़त्म करेंगे और दर्शकों का इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.